हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे सूजी से झटपट नाश्ता। इसे हम क्रिस्पी ढोकला कॉर्न्स भी कह सकते हैं। आप इसे नाश्ते में या शाम को स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। दो आलू को छील लें और इसे पानी में रख लें। शिमला मिर्च, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लें। ये मैंने दो आलू को छील लिया है, अब हम इसे रफली काट लेंगे। इसे हमें ग्राइंड करना है। ये मैंने कच्चे आलू का यूज़ किया है। आलू को अच्छे से धो लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा बाउल दही डालेंगे और लगभग आधा बाउल पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। मिक्सिंग बाउल में एक बाउल अब हम सूजी डालेंगे। एक बाउल सूजी और आधा बाउल हम दही का यूज़ करेंगे। अब हम इसमें आलू और दही वाला मिक्सचर डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो सूजी और दही को मिक्स कर लें। स्वादानुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, इससे हमारे ढोकले का टेक्सचर बढ़िया आता है। अगर आप थोड़ा सा मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं तो आधा छोटा चम्मच चीनी डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। जब तक सूजी हमारी रेस्ट कर रही है, हम इसके लिए प्लेट रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने यह ढोकला बनाना है। आप इसे किसी बाउल में या किसी थाली में बना सकते हैं। ये मैंने ढोकला प्लेट का यूज़ किया है। इसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो इस पर बटर पेपर भी लगा लें। सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इस नाश्ते को बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए, इसे हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। 2 से 3 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक इनो का पाउच डालेंगे। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़े से खट्टे फ्लेवर के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, जिससे हमारा इनो का पाउच भी अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ढोकले में खट्टा मीठा फ्लेवर बढ़िया लगता है, इसीलिए नींबू का रस जरूर डालें। इससे टेस्ट बढ़िया आता है। अभी हमारा मटेरियल गाढ़ा लग रहा है, इसीलिए 2 चम्मच पानी डालकर इसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी का कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे अपनी ग्रीस की हुई प्लेट में डालेंगे। इनो आपने तभी डालना है जब आपने ढोकले को रेडी करना है। पहले से इनो डालकर ना रखें। इनो डालते ही इसे तुरंत बना लें। कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे और ऊपर से एक स्टैंड लगा देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी कटोरी का या प्लेट का यूज़ भी कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम अपने ढोकले की प्लेट रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ढोकला भी हमारा अच्छे से फूल गया है। टूथपिक की हेल्प से या किसी नाइफ की हेल्प से इसे चेक कर लें। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है तो इसका मतलब ढोकला हमारा पक गया है। अगर टूथपिक क्लीन नहीं है तो गैस की फ्लेम को लो करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसे उल्टा करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बटर पेपर को हटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना जालीदार हमारा ढोकला बना है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले इसे सेंटर से कट करेंगे। इसके बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। अब इसमें बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे। पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और इसे गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए हम इसमें सरसों डालेंगे। जब सरसों हमारी चटकने लगे तब इसमें एक साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 6 से 7 हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। और एक एक करके अपने ढोकला कॉर्न्स को हम इसमें सेकेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर नीचे से क्रिस्पी होने तक इसे सेकें। एक साइड से सिकने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला सिक कर हमारा रेडी हुआ है। यह नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम ही सामान में रेडी हो जाता है, जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप भी इस नाश्ते को एक बार जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स नाइस कलर। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और सारे क्रिस्पी ढोकला कॉर्न्स को हम इसी प्रकार सेक लेंगे। ये देखिए हमारा ढोकला कॉर्न्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस स्टाइल से क्रिस्पी ढोकला कॉर्न्स एक बार आप भी जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।